वन माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अगर लिखा है वन माइनस कॉस 2x ग्रेटर देन, फिर n की वैल्यू जो हमने पॉजिटिव लेनी है। अब हमने क्या करना है सर, हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता ही है। इसी तरह हमने एक फार्मूला बताया था कॉस 2 अल्फा यानी कॉस 2x का, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको थीटा में लिखने का तो बेहतर है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। इधर वेरिएबल एक्स है तो हम एक्स यूज़ कर लेंगे, ये इसको हम लिखेंगे वन की वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे वन की वैल्यू क्या जी, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू एक्स की जगह इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये माइनस का साइन हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉस के ये कॉस के कैंसिल, ये वन और ये वन, ये कितना आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट टू और अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो अंडर रूट टू हम बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट टर्म में, ये इसका ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, तो ये रह जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो ये आएगा माइनस अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा ये। आगे नेक्स्ट पार्ट है एट, के लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, हमें यह पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो वन बाई एक्स होता है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उन्हें उसकी पावर में वन ऐड करवा देना है। फार्मूला कौन सा था हमारे पास, ये एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। तो इसी रूल के तहत हमने कहना है कि हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, इधर लॉग ऑफ एक्स है, एफ प्राइम एक्स क्या है हमारे पास वन बाई एक्स है, क्योंकि ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ एक्स की पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन प्लस सी, तो लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, ये आ जाएगी वैल्यू। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे पार्ट नंबर नाइन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की दो वैल्यूज हमने याद रखनी है, जब भी आएंगे हमने उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है ये होती है वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू पुट करनी है हमने ये, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू पुट करना है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे स्क्वायर वहाँ पे वो सिंगल पावर आ जाती है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू इंटू
डी एक्स, तो 1/2 बाय निकालिए, बाकी वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये आएगा 1/2 1 की इंटीग्रेशन x माइनस कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 होता है, और प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके बाद आ जाते हैं आगे 12वां पार्ट के, सॉरी 10वां पार्ट आगे, वो दिया हुआ हमें 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे ना यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू, यही वैल्यू हम इसी में से हम यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस कॉस एक्स वैल्यू होती है सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू जो है ना हमने फर्स्ट ईयर के फार्मूले में से यूज़ किए, तो चैप्टर नंबर 10 में फार्मूले पढ़े हैं वहाँ से हमने इसको यूज़ किया, ये तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आ जाएगा सेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब सेकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये टेन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस सी, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस सी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11, ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी इंटू डी एक्स। फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में सबसे पहले हमने डेरिवेटिव बनाना होता है किसका, जो वैल्यू नीचे लिखी होती है इसी का हमने डेरिवेटिव लेना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी, ये आ जाएगा 2 AX प्लस 2B, 2 कॉमन लो तो AX प्लस B आता है डेरिवेटिव। अब ऊपर अगर देखें तो हमारे पास AX प्लस B मौजूद है, सिर्फ 2 मौजूद नहीं है, 2 लेके आने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करना है। यह आ जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन AX प्लस B ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी इंटू डी एक्स, ये क्या आएगा 1/2, ये 2 AX प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी। अब रूल कौन सा लगता है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, एफ प्राइम एक्स ऊपर मौजूद है नीचे एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स हो, तो ये होता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस रूल के तहत 1/2 लॉग ये वाली वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स होती है, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी और प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। ये आगे नेक्स्ट है 12th पार्ट है,
कॉस 3x एंड साइन 2x इंटू dx। दो फंक्शन आ गए हमारे पास, ये कॉस 3x और साइन 2x। हमने कोशिश करनी है इसको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका फार्मूला बनाना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। 2/2 टू कॉस 3x साइन 2x इंटू dx। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला किसका बनता है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, 2 cos α sin β, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन जो है दूसरे पार्ट में एज यूज हुआ था। ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, सम और डिफरेंस वाले फार्मूले जो हमने यूज किए थे। अगर यहाँ पे साइन पहले होता और कॉस बाद में होता तो इस यहाँ पे प्लस आ जाना था फिर ये, ठीक है। तो टू अच्छा, अब क्या करना है जी, हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2/2। अब इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2। तो ये लिखेंगे 2/2 कॉस 3x साइन 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 2 cos 3x sin 2x इंटू डी एक्स। तो ये फार्मूला क्लोज होता है यहाँ पे, ये वाला 2 cos α sin β इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमने यूज़ किया था एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट ईयर में, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट में ये फार्मूला ये वाला यूज़ हुआ था। तो ये आएगा हमारे पास 1/2। आगे ये हमारे पास क्या आएगा, ये अल्फा आएगा 3x जो है, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये बीटा आएगा। हम इसको लिखते हैं साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x इंटू होल डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। तो क्या वैल्यू बन जाएगी ये, तो इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 5x ओवर 5। 5 क्यों नीचे है, क्योंकि 5x का डायरेक्टिव 5 होता है, माइनस माइनस कॉस एक्स ओवर 1, x का डायरेक्टिव 1 होता है, इसलिए 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 5x ओवर 5 माइनस और माइनस प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 3, ये इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा 13 वाला पार्ट है, कि कॉस 2x माइनस 1 है ओवर 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स दिया गया है। तो पिछले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने ये वैल्यू पुट की थी, तो कॉस 2x की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने ये वैल्यू जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पुट कर देनी है।
इधर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर वन की जगह साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस टू एक्स की जगह कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो अब हमने देखना है इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जो आपस में सिंप्लीफाई हो रही है। तो नीचे से साइन स्क्वेयर प्लस का साइन स्क्वेयर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इधर से हम ये माइनस ओपन करेंगे ये वाला, तो यहाँ से भी एक वैल्यू जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। तो अब हम इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, माइनस ओपन कर लेंगे यहाँ पे एक कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर नीचे ये भी वन है ये भी वन है, ये कितने हो जाएंगे ये टू कॉस स्क्वेयर एक्स। ऊपर से कॉस स्क्वेयर माइनस का कॉस स्क्वेयर प्लस का कैंसिल हो गया, ये भी वन है ये भी वन है, ये हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स ओवर टू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, टू से टू कैंसिल माइनस साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो सीकेंड हमें टेन की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये आएगा माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे कि माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव बताइए, टेंजेंट एक्स का, माइनस और माइनस प्लस वन की इंडिकेशन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा ये। तो लास्ट क्वेश्चन है आप इसका, ये भी बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन के साथ का, यहाँ पे माइनस में तो बचता है सवाल वही है जो हमने अभी ये साल किया है। तो ये क्या आएगा जी, टेन स्क्वेयर एक्स 14 पार्ट, अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी ये टेन स्क्वेयर एक्स ही है, सिर्फ क्या है यहाँ पे ये माइनस फालतू है, तो माइनस नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन सारा वैसे ही सॉल्व होगा। टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होती है जी, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग लिख लेना है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंडिकेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स, माइनस वन की इंडिकेशन क्या होती है, एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा।